Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's your Digimon 46. So guys, मैं उठा था, उठ के खाना बनाने सोचा, दाल और राइस बनाऊं सोचा मैंने. तो मैंने चढ़ा भी दिया था, मैं दिखाना चाहती थी. मैंने सोचा कहीं आप बोलना हो तो इसलिए नहीं दिखाया था. मगर मैं आपको एक बात बताने का बहुत मन करा. ये छोटा जो गैस है ना मेरा, इस गैस ने मेरी बहुत हमेशा से बहुत साथ दिया है. जब स्टार्टिंग दिल्ली आई थी तब से मुझे एक मेरी पड़ोसी फ्रेंड थी टिबेरियन, उसने दिया था. तब वो जब जा रही थी अपने गांव तो अपना सामान सब मेरे को देके गई थी. तो मैं बता रहा हूँ कि ये गैस ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं इसका साथ नहीं छोड़ता हूँ. अभी खाना बनाया मैंने, चावल और चावल पानी निकाल के चावल का निकाल के रख दिया था. दाल पका रही थी, पक भी गया था थोड़ा बहुत. मैंने गैस कम करके बाहर ठहरी थी मैं पड़ोसी दीदी से बात करते हुए. सब अंदर आके देख रहे हो, दाल पक चुका है मगर गैस दोनों बंद है ना. कौन बंद करा यार, कहीं हवे से बंद ना हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता. मैं ये सोचा तो देख रहा हूँ आने के बाद गैस खत्म हो चुका है. सो गैस, ये गैस देखो, दोनों खाना पकने के बाद गैस बंद हुआ है मेरा, दिखाती हूँ आप. तो गाइस ये रहा मेरा दाल, आलू और दाल मिक्स करके मैंने आलू दाल बनाया था. आप देख सकते हो पक चुका है पूरा, स्मेल भी बहुत यम्मी आ रही है. अभी मैंने ऊपर धनिया डाला था, ठीक है ना. ये पक चुका है दाल, ठीक है ना. और मेरा राइस देखिए पक चुका है. वो पकने के बाद गैस बंद हुआ है, समझ आ रहा है आपको. तो यही है गाइस, देखो तो ऐसा होता है जब कुछ चीज लकी होती है ना, तो बहुत ज्यादा ही लकी होती है. मेरे लिए गैस बहुत लकी. आज थोड़ा हवा आ रही है मस्त, ठंडी ठंडी ठंडी, फिर से धूप ना आ जाए बस. खुशकी ऊपर बैठ गई मैं. क्या लग गया? तौलिया. नहीं ये क्या है, ये क्या है, हजमोला. अच्छा मैं इधर ठखड़ी थी ना, गैस खत्म हो गया, खाना पक के गैस बंद हो गया है. मैं वही सोच रहा हूँ. हाँ नहीं पका लिया, पकने के बाद गैस बंद हुआ है अपना. बीच में बंद होता तो बोर रहा था, खाना पक गया, दोनों दाल चावल दोनों पक गए, बंद हो गया. गैस बहुत लकी है इसलिए छोड़ती नहीं हूँ मैं इसको. धीमी धीमी आंच में पक गया पूरा. वही सोच रहा हूँ क्या हो गया, गैस किसने बंद कर दिया, कहीं हवे से बंद ना हुआ. हवे से बंद नहीं हुआ था, ज्यादा नहीं टिकता ना, कितना 5 लीटर. अब पहले तो 100 रुपए था, 110 कर रखा है ना. हाँ 1 किलो का, तो इसमें 5 kg बैठता है. वही तो खाना बनाएंगे तो डेली बचेगा ही कहाँ, एक महीना भी नहीं दिखता है. वही तो, वही बड़ा लेना पड़ेगा. वही बहुत ज्यादा आज हवा हो रही है हवा. सो गाइस आप लोग बने रहिए, आगे मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या करूँगी. पहले हम लोग खाना खाएंगे. अभी फ्रेश धनिया, फ्रेश प्याज, नमक खत्म हो गया था, नमक लाए हमने. हाँ तेल ये यूज कर रहा हूँ मैं अभी, धारा. ओके देन गाइस स्टे ट्यून. तो गाइस अभी हम खा रहे हैं खाना, मूवी देखते देखते, हॉरर मूवी देखते देखते खाना खा रहे हैं. यम्मी यम्मी, टेस्टी टेस्टी, झटका के साथ में झटका झटका झटका. सो गाइस बाहर जाने तो नहीं हुआ मुझसे, तो घर पे ही हूँ. आज हैप्पी फादर्स डे है, तो मैं कुछ अपने पापा के बारे में बताना चाह रही थी आप लोगों से. बहुत लोग जानते तो है मेरे पापा इंडियन है,
पता है मेरे को लोग बोलते हैं, मेरी फैमिली भी बोलती है जरूरत नहीं है सब बताने की, मगर आप भी मेरी फैमिली हो जो मुझे समझ सकते हो, तो उनके लिए है जो एक बाप और बेटी का प्यार समझ सकते हैं ना। तो आज मेरी बहनों ने भी स्टोरी डाली, मैंने भी स्टोरी डाली पापा के पुराने फोटोज़ पे हमने, तो एक क्या बोलते हैं फील आ गया मेरे को। मैं पापा से ज़्यादा जुड़ी हूँ, मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मेरे पापा भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा। हमारे पापा ने कभी बच्चों में फ़र्क नहीं किया है। एक मिनट। हमारे पापा ने ना बच्चों में फ़र्क किया। मेरी मम्मा टिबेटन है, पापा मुस्लिम से, पापा केरला से है। तो मम्मा और पापा की तो लव स्टोरी मेरे व्लॉग में आप लोगों ने सुन लिया होगा, देख लिया भी होगा, जो जिन्होंने नहीं देखा है उनको पता चल जाएगा। और पापा मम्मा साथ रहते थे, हम मुंबई में रहते थे। पापा हमारे मम्मा के टिबेटन, हम पूरे टिबेटन कास्ट में आ गए हम लोग। तो गाइज ऐसा है ना कि पापा ज़्यादातर बेटियों से क्लोज रहते हैं, माँ बेटों से क्लोज रहते हैं बताया जाता है, मगर ऐसा नहीं है। मेरे पापा अब सब बोलेंगे कि अपने माँ अपने बाप बहुत अच्छे हैं, ये बात सही भी है, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता है, मगर मेरे पापा की जगह तो शायद दुनिया में कोई कोई ले सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर अब हमारे पापा तो हमारे साथ नहीं है, फिर भी हमारे दिल में है, हमारे साथ है, महसूस होता है हमें। और जिसके पास अभी पापा है, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि जिनके पास अभी पापा नहीं है उनको पता है कि बिना बाप के कैसा फील होता है। मैं बता रहा हूँ अपनी अपने तरफ से, जब पापा थे तब मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पापा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, मम्मा को भी दी है, मगर सबसे ज़्यादा तो हर्ट मैंने पापा को की है, क्योंकि ना पापा की सुनती थी ना मतलब किसी की नहीं सुनती थी मैं, इतनी ज़िद्दी थी, इतनी ज़िद्दी, किसी की नहीं सुनती थी मैं। मगर पापा की खास मुझे हर एक बात याद है, मैं इतनी ज़िद्दी, मैं बहुत बुरी थी, मतलब आपको तो पता है पहले मैं डिप्रेशन में बहुत बार जा चुकी हूँ, टैबलेट खाती थी, दारू पीती थी, मॉम डैड को बहुत टॉर्चर करती थी, मगर हमेशा जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है मेरे पापा ने हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा उन्होंने। जब मैं रोती थी तो सबसे ज़्यादा फील मेरे पापा को होता था, बहुत ज़्यादा। और जब मेरा बच्चा भी हुआ, जब मैं प्रेग्नेंट भी हुई, मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट। मैं कहाँ कहाँ नहीं फंसी, कैसे गलत गलत जगह फंस गई थी मैं, पापा ने ले आया मेरे को अपने वापस घर। हम जब तक हमारे माँ बाप हमारे साथ है हम उनकी कदर नहीं करते, जब वो हमसे दूर हो जाते ना तब पता चलता है उनकी कदर। मैंने हम सब बच्चों के लिए अपने पापा को स्ट्रॉन्ग
स्ट्रगल करते, सर्वाइव करते हमारे लिए, बस हमारे, मेरे पापा बोलते थे मेरी दौलत मेरी बच्चे है। हमारे पापा ने बच्चों में कोई कमी नहीं की, बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बहुत ज़्यादा। आज हम सब बच्चों को ना, हम सब बच्चों के पास जो हमारे दिल साफ है ना, हमारे हमें हम झूठ झूठ बोल, हम चारों बहन दो भाई हम पूरे ना कभी झूठ नहीं बोल पाते हैं इंसान को आसानी से, क्योंकि हमारा दिल ना हमारे पापा जैसा ही है। मम्मा हमेशा बोलती है तुम लोग सब बाप पे गए हो, हमारे खास करके मेरी हर एक हरकतें पापा जैसी है, मम्मा हमेशा बोलती थी। पापा की एज तो नहीं थी, मगर पापा इतने टेंशन लेते थे, ड्रिंक करते थे, वो पहले से शुगर थे, उनका बहुत बार ऑपरेशन हुआ था, बहुत चीज़ों का उनको शुगर था, और पापा के एक बार एक्सीडेंट हुआ था तब पैर में जख्म हो गया था, जो उसकी वजह से पापा का पैर पूरा सूज गया था, पापा बेड पे थे। सबसे ज़्यादा पापा की केयर तो हमारी सबसे बड़ी बहन ने की है, माँ ने की है। जब पापा थे ना हमने कभी कदर नहीं की उनकी, बस हमने उनको सिर्फ टेंशन दिया, तकलीफ दिया। आज मैंने बहुतों का स्टेटस देखा अपने डैड के साथ में, या किसी के डैड हमारे जैसे नहीं है। जब मैं मेबी 16-17 की थी मैं, तब मैंने अपने पापा को खोया है। उसके बाद भी मैं शायद एक दो साल तक सदमे में थी, यकीन नहीं आता था कि पापा नहीं है। बस बहुत लोग जानते हैं मंगोड़ में, तो हमारे मंगोड़ के लोगों तो सब जानते हैं। पापा ने बोला था कि जब मुझे कुछ हो जाए तो मेरे को जलाना मत, दफनाना, मतलब कि जलाना और दफनाना होता ना, तो वो ख्वाहिश तो हमने पूरी की पापा की, हमने पापा को चलाया नहीं है, दफनाया है। बहुत जगह मुनगुण में बहुत जगह थे मगर उन्होंने जगह नहीं दी थी, तो हमारे नियर बाय मुनगुण में जो नंदीगटा बोलते हैं ना, वहाँ पे पापा को, पापा ने बहुत लोगों का अच्छा किया है, उन लोगों ने तो सिर्फ पापा का नाम सुन के उन लोगों ने बहुत मदद की है। पापा के आखिरी टाइम पे मैं बस ये आज इसलिए बोलना चाह रही थी कि मैं डेली, हम सब अपने डेली पापा को बहुत बहुत ज्यादा याद करते हैं। शायद मेरी बहन लोग देख के भी ये वीडियो इमोशनल हो जाएगी, मगर मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। आज महसूस होता है ना कि आज वो हमारे साथ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत ज़्यादा। मगर एक स्ट्रेंथ हम लोगों में है, क्योंकि पापा के साथ साथ हमारी माँ भी हमारे साथ हमेशा स्ट्रांग बन के खड़ी रही है। हमने पापा के लिए तो
कुछ नहीं कर पाए हम पापा के लिए, शायद उनकी कदर नहीं कर पाए। हम सब अब अपनी मम्मा को खुश रखना चाहते हैं। अभी भी मैंने बहुत ज़्यादा बीच में मैंने जो भी हरकतें करी, जो कुछ भी मैंने किया, मेरी मॉम को बहुत तकलीफ दी है मैंने। बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं फिर से अभी नहीं होने दूंगा ये सब। अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा। अब मैं अपनी माँ को टेंशन कभी नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। बस आप लोग जिसके पास पापा है ना, उनकी सुना करिए, कदर करिए जब तक वो है हमारे साथ। हम तो चाहे तो वो कभी ज़िंदगी भर हमें छोड़ के ना जाए, मगर होने को कोई टाल नहीं सकता ना। इंसान जाने के बाद अफसोस करके कुछ नहीं मिलता, फिर भी एक गिल्टी होती है ना, तो वो कभी कभी बहुत ज्यादा फील करती हूँ मैं, बहुत ज्यादा। मेरा बेटा भी मेरे पापा को नाना या दादा नहीं बोलता था, पापा ही बोलता था वो भी, क्योंकि पापा ने ही मेरे बच्चे को परवरिश दी है। मेरे बच्चे में भी जो अच्छे गुण हैं सब मेरे पापा के, मेरी मम्मा में पापा के अच्छे गुण सब मेरे बच्चे में। शायद पापा नहीं होते, मम्मा नहीं होते, तो शायद मैं कहाँ होती, मेरा बच्चा कहाँ होता। पता नहीं सकता, मेरी फैमिली के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। हम उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे चुकी हूँ, अब और नहीं। मैं बस अपने पापा को तो खुशी नहीं दे पाई, मगर अपने माँ को तो मैं खुश रख सकती हूँ। तो यही कोशिश है मेरी कि मेरी माँ को हमेशा खुश रखूँ मैं। हम सब बहनें यही चाहते हैं, भाई भी यही चाहते हैं, हम बस अपनी माँ को खुश रखें। बस मैं यही बोलना चाह रहा था। और जितने भी पापा है, जितने भी मेरे ब्लॉग देखते हैं, उन सब पापास को मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। आप लोग लंबी उम्र रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। बस यही बोलूँगी। और बेटा हो या बेटी हो, पापा की हर बात सुना करे, माना करे माँ बाप की, क्योंकि जो मैंने गलती की आप लोग कभी मत करना। कभी भी मैंने अपने पापा को इग्नोर ही किया, उनकी हर एक बात इग्नोर की है मैंने, यानी कि इतना प्यार वो मुझसे करते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था ना कि मेरी छोटी छोटी चीज़ें, मतलब शायद उस टाइम हम लोग उतना ये नहीं थे, मतलब तब भी नहीं, अब भी नहीं है, मगर उस टाइम पे भी नहीं थे हम ऐसा। हम तो मिडिल क्लास ही है, वैसे ही जैसे कि हम स्कूल जाते थे तो मम्मा 3-3 रुपये देती थी हमें, तो हम लोग 3 रुपये में से 2 रुपये बस को देते थे कभी कभी, नहीं तो चलते चले जाते थे खा पी के। और जब पापा मेरे को साइड में बुला के 10-20 रुपये दे देते थे,
अभी मुझे दिन पूरे याद है। हम बेटियों को तो पापा ने बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बहुत ज़्यादा। हम बच्चों को कभी कोई चीज़ की कमी नहीं रहने देते थे, कभी भी नहीं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कोई चीज़ की कमी ना हो ये पूरी कोशिश करते हैं, मगर हम ही नहीं समझ पाते उनके प्यार, उनके जज्बात को। आज मैं भी एक माँ हूँ तो फील होता है मेरे को भी बहुत ज़्यादा, मगर इसलिए दिल घट और स्ट्रांग इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरी मम्मा स्ट्रांग है, मेरी बहनें स्ट्रांग हैं, मेरे भाई स्ट्रांग हैं, तो फैमिली की तरफ से एक स्ट्रांग जो मिलता है ना, जो ताकत मिलती है सिर्फ फैमिली से ही मिलती है। जब भी हम तकलीफ में हो सिर्फ फैमिली पहले खड़ी होती है, स्ट्रेंथ भी देना हो तो फैमिली स्ट्रेंथ देती है और कोई नहीं। आज बस यही बोलने का मन करा मेरा, सुबह से पापा की स्टोरी, पापा के फोटोज देखते रहे ना, तो आज आप लोगों को ये शेयर करने का मन करा मेरा। मैं बहुत मिस करती हूँ अपने पापा को, बहुत ज़्यादा। ओके देन गाइस, सॉरी यार, बुरा मैंने कुछ गलत बोला हो तो सॉरी, बट ये दिल से बोलने का मन करा, फील हुआ मुझे तो मैंने ये बोल दिया। अभी ये मत समझना कोई नशे में हूँ या कुछ ये सोच के बोल रहा, ऐसे कुछ नहीं हूँ, ऐसे फील हुआ मेरे को इसलिए बनाया मैंने ये। बस हर बच्चे अपने पापा और मम्मा का अच्छे से ख्याल रखे, उनकी कदर करें, उनकी बात सुने। ये हम वो लोग जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, हम ही नहीं समझ पाते। तो मेरा बस यही बोलना है कि उनकी बातों को समझो, उनकी फीलिंग्स को समझो। वो ऐसे क्यों बोलते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये करो क्यों बोलते हैं? हमारी भलाई, हमारी अच्छाई के लिए बोलते हैं, जो कि हम बच्चे का दिमाग रख के समझ नहीं पाते या समझ के भी अनजान बनते हैं। गाइस बस इतना ही बोलना था, बाय गाइस, लव यू ऑल, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल फादर। जो भी मेरे चैनल देखते हैं सब फादर्स को मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, लंबी उम्र रहे आपकी। बस इतना ही, bye guys, love you all, good night, stay tuned.